एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल शासक जहांगीर से संबंधित। ठीक है, इससे पहले हमने बाबर पढ़ लिया था, फिर उसके बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा था, हुमायूं पढ़ लिया, फिर उसके बाद बीच में शेरशाह सूरी आया था, फिर शेरशाह सूरी पढ़ लिया, फिर अकबर पढ़ लिया। अब हम जहांगीर के बारे में बात। देखो, पहला वाला वीडियो आप देखना और जो भी वीडियो देखा करो आप क्रम से देखा करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि जहांगीर का समय कब से कब तक था। 1605 से लेकर 1627 तक, और 1627 में इसकी मृत्यु हुई थी लाहौर में भीमबार नामक स्थान पर। ठीक, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु के बाद जहांगीर बैठा था। ठीक है, जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में। ठीक है, जहांगीर की माता का नाम मरियम उज जमानी था, ठीक, जो कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। वास्तविक नाम सलीम था, अकबर शेखु बाबा कहकर पुकारता था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जहांगीर के भाई थे दानियाल और मुराद। जैसे आपको एक ट्रिक याद रखना है, ची से बना चित्रकला, जस जहांगीर के काल को। जहांगीर के समय में अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस आए थे 1608 से 1613 तक, एवं सर टॉमस रो आया था 1615 से लेकर 1619 तक। ठीक, जहांगीर के मुख्य शिक्षक का नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया था, तो आप ट्रिक समझ सकते हैं, जैसे वो अपने थे अभिनेता राजकुमार, तो कैसे बोलते थे जानी, तो जहांगीर ने निसार सिक्का चलाया। जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ। ठीक, जहांगीर ने 1611 में नूर जहां से विवाह किया था, और नूर जहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूर जहां ये अफगान शासक ग्यास बेग व असमत बेग की पुत्री थी। ठीक है, और ये जो अफगान शासक ग्यास बेग था, ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, नूर जहां का पहले विवाह अली कुली बेग से हो गया था, उसकी ये विधवा थी। अली कुली बेग को शेर अफगान के नाम से जाना जाता। ठीक, जहांगीर के बेटे थे खुसरो खुर्रम, जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, आगे शासक बनेगा। परवेज शहर यार जहांदार, शहर यार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, लाडली बेगम अली कुली बेग और नूर जहां की पुत्री थी। देखो, पहले नूर जहां का विवाह अली कुली बेग से हो गया था। ठीक है, तो लाडली बेगम जो थी वो अली कुली बेग और नूर जहां की पुत्री थी, जिसका विवाह शहर यार से हुआ। ठीक है, जिसका विवाह किससे हुआ था, शहरयार से। और नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। ठीक है, यहां तक आगे बात करते हैं कि नूर जहां की मां का नाम क्या था, असमत बेग, जिसने गुलाब क्षेत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है, जहांगीर ने शादी के बाद में मेहरुन्निसा को नूर महल की उपाधि दी थी। और जहांगीर के समय में विदेशी आए थे, हॉकिंस आया था, जो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। टॉमस रो आया था, मैनरिक आया था, सादिक आया था, फिच आया था और टेरी आया था। हॉकिंस आया था, टॉमस रो आया था, मैनरिक, सादिक, फिच और टेरी। ठीक है, एतमाउद्दौला का मकबरा नूर जहां ने बनवाया था आगरा में। एतमाउद्दौला कौन था, ग्यास बेग को उपाधि दी गई थी एतमाउद्दौला की। ठीक है, जहांगीर को सोने की जंजीर के लिए याद किया जाता है। 1605 में गद्दी पर बैठा था और आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। कश्मीर में सुंदर बाग लगवाया था, जिसका नाम शालीमार था, और लाहौर में इसका मकबरा है। ठीक है, मकबरे हम ट्रिक से बाबर में देख चुके हैं। आपको एक ट्रिक याद रखना है, राजा आर से बना राजपूत, ए से बना अकबर के समय, जे से बना जहांगीर के समय, ए से बना अफगान, मतलब राजपूत अकबर के समय में और अफगान जहांगीर के समय में शासन में थे। ठीक है, जहांगीर के समय के चित्रकार थे, तो आपको ट्रिक याद रखना है, नाम रजा मुराद गोभी फारूक हसन ने चित्रकारी की थी। तो ना से बन गया नासिर, मा से बन गया मंसूर, रजा से बन गया आगा रजा, और इसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी। गो से बन गया गोवर्धन, ठीक है, मुराद से मुराद हो गया, गो से बन गया गोवर्धन, बे से बन गया बिशन नारायण मनोहर, बिशन दास मनोहर, और फारूक से बन गया फारूक बेग, और हसन से बन गया अबुल हसन, के सब जहांगीर के समय के चित्र। ठीक है, यहाँ तक ये इतना हमें जहांगीर में याद रखना है। फिर अब आगे बात करते हैं हम शाहजहां की। ठीक,
आगे बात करते हैं हम शाहजहाँ के बारे में। बोले शाहजहाँ खुर्रम था जो 1627 से 1657 तक गद्दी पर बैठा था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती, ठीक है। तो शाहजहाँ का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1592 में लाहौर में हुआ था, जगत गोसाई के गर्भ से, ठीक। शाहजहाँ का विवाह 1612 में नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ था। 1611 में नूरजहाँ से जहांगीर ने किया था, ठीक। शाहजहाँ ने संगीतक लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण अर्जुबंद बानो बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था और इसे उस्ताद ईसा खां और अब्दुल हमीद लाहौरी की देखरेख में बनाया गया था। इसमें मकराना का संगमरमर लगा है, ठीक है। आना सिक्का चलाया था, ट्रिक ऐसे समझ सकते हो जैसे अभियाल बताया था मैंने कि जानी जहांगीर ने निसार सिक्का चलाया था, ऐसे बोल सकते हो। आशा आ से बना आना सिक्का और सा से बना शाहजहाँ ने बना। शाहजहाँ को किसानों का हितैषी कहा जाता था। शाहजहाँ के पुत्र थे दारा सिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह सुजा, ठीक है। शाहजहाँ के समय में चित्रकार थे मीर हासिम और मोहम्मद फकीर, मीर हासिम और मोहम्मद फकीर। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन तख्त ताउज का निर्माण करवाया था, इसमें कोहिनूर हीरा लगा था और इस मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार था बेबादल खां और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, ठीक है। क्योंकि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और नादिर शाह इसको लूट के ईरान ले जाता है और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक। इसकी पुत्रियां थीं जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। इसकी मृत्यु 1666 में हुई थी, ठीक है। शाहजहाँ के चारों पुत्रों में दारा सिको सर्वाधिक विद्वान था। दारा सिको ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, इसे शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है और शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। मैंने एक वीडियो में स्वर्णयुग पढ़ाए हैं, उसमें सारे ट्रिक से पढ़ाए हैं क्या अकबर का काल, हिंदी का स्वर्णयुग, ठीक है, हिंदी साहित्य का, जहांगीर का, चित्रकला का, शाहजहाँ का, स्थापत्य कला का, ठीक है, तेलुगु साहित्य का, कृष्णदेवराय का, यहाँ तक क्लियर है कि शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता। आगे बात करते हैं कि इसके समय में विदेशी यात्री आए थे मनुची और मुंडी, ठीक है। मुंडी इटली का यात्री था जिसने अकाल का उल्लेख किया है। शाहजहाँ के समय में उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, तो आपको ट्रिक बोलना है बद सादे खजवा, ठीक है। बसे बना बहादुरपुर का युद्ध ये 1658 में हुआ था, दारा सिको और शाह सुजा के बीच हुआ था और दारा सिको इसमें जीत किया था, ठीक है। धर्मठ का युद्ध ये भी 1658 में हुआ था, तारीख पढ़ लेना एक बार, है ना, ठीक है। दारा सिको और औरंगजेब के बीच हुआ था, इसमें औरंगजेब जीत गया था। और सामूगढ़ का युद्ध ये 1658 में हुआ, दारा सिको और औरंगजेब के बीच, इसमें भी औरंगजेब जीत गया था। देसे बन गया था देवराई घाटी का युद्ध, देखो ब से बना बहादुरपुर, ध से बन गया धर्मठ, सा से बन गया सामूगढ़, दे से बना देवराई घाटी और खजवा से बना खजवा, ठीक है। देवराई घाटी का युद्ध 1659 में हुआ था, दारा सिको और औरंगजेब के बीच हुआ था। इसमें दारा सिको हार गया और दारा सिको की मृत्यु हो गई और औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। खजवा का युद्ध 1659 में हुआ था, ठीक है। नूरजहाँ और शाहजहाँ समूह में उस समय प्रतिद्वंदिता शुरू हुई थी जब नूरजहाँ व आसफ खां ने अपने अपने दामादों को मुगल सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया था। ठीक है, ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, शाहजहाँ के बारे में। अब हम औरंगजेब की बात करते हैं कि औरंगजेब गद्दी पर कैसे बैठा था। 1658 से 1707 समय हो गया। बोले देवराई 1659 के युद्ध को जीतने के बाद शासक बन गया था, ठीक है। इसका जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के पास दाहोद नामक स्थान पर हुआ था। दो बार इसने राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है, एक 1658 में, एक 1659 में, ठीक है। मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य था, 29 प्रांत थी, इसने निर्माण
करने वाला है, ठीक है। मतलब मुगलों में सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण करने वाला कौन? औरंगजेब, ठीक है। आपको एक ट्रिक याद रख करना है, बोले तू तेग का जज बनो, तो से बना तुलादान बंद करवाया था, ते से बना तेग बहादुर सिखों के नौवे गुरु थे, इनकी हत्या की और दिल्ली में इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण इनकी हत्या की थी, ठीक है। का से बना, बोले सिखों पे कलमा खुदवाना बंद करवाया था, जैसे बना जजिया कर पुनः लागू किया था 1679 में, इससे पहले अकबर ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। जे से बना जजिया से बन गया। बा से बना, बोले बीवी का मकबरा बनाया था, बीवी का मूल नाम था राबिया उद्दौरानी औरंगाबाद में, ठीक है। नौ से बना औरंगाबाद में, बोले इसे ताजमहल की प्रतिकृति या फूहड़ नकल या द्वितीय ताजमहल कहा गया है, ठीक है। नौ से बना नौरोज प्रथा मनाने पर रोक लगाई थी, और नौरोज प्रथा को शुरू किसने किया था? बलबन, ठीक है। झरोका दर्शन पर प्रतिबंध लगाया था और इसको शुरू किया था अकबर ने। गायन नृत्य संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि खुद कुशल वीणा वादक था, ठीक है। इसको जिंदा पीर कहा जाता है व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण। इसे शाही दरवेश की संज्ञा दी गई। इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी, दौलताबाद में दफनाया गया था फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में, ठीक है। औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था, और औरंगजेब ने राणा की उपाधि जयसिंह को दी थी। औरंगजेब ने राणा की उपाधि किसको दी थी? जयसिंह को। आगे बात करते हैं कि औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कराई थी, रैयतवाड़ी प्रथा हटाकर जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी, और रैयतवाड़ी प्रथा की नींव थॉमस मुनरो ने रखी थी, ठीक है। इसके समय में विदेशी थे मार्शल और त्रिवेनियर। त्रिवेनियर फ्रेंच जौहरी था, ठीक है। त्रिवेनियर फ्रांसीसी हीरा व्यवसायी था जिसने तख्त ताउस का वर्णन किया है, ठीक है। इसके पुत्र थे सुल्तान अहमद, शहजादा मुअज्जम आजम, शहजादा अकबर कामबख्श, और पुत्री थी जैबुनिस्सा। इसने निर्माण करवाया था लाहौर की बादशाही मस्जिद का, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा था। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी शिवाजी और जयसिंह के मध्य। शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन आगरा में रखा था। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय हासिल की थी। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था, जहां उनकी मौत हुई थी। सामूगढ़ का युद्ध जीत औरंगजेब ने तलवार के दम पर शासन हस्तगत किया था, ठीक है। देवराई घाटी के बाद गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। सोमनाथ बनारस मथुरा के मंदिर ध्वस्त किए थे। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। इसके साम्राज्य का विस्तार के उत्तर में कश्मीर तक, दक्षिण में कावेरी तक, पूर्व में चटगांव तक और पश्चिम में काबुल तक था, ठीक है। इसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति व दक्षिण के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी मतलब आंतरिक परागम शुल्क और पानदारी मतलब व्यापारिक चुंगियां आदि को समाप्त कर दिया था, ठीक है। ये हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ लिया। अब हम मुगल काल के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनकी क्या वो चीज़ें थी। तो बोले बाबर की शासन प्रणाली में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा या डाक चौकी कहलाता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। जहांगीर ने सवार पद में दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी,
और सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया। महावत खां ने जहांगीर व नूर जहां को बंदी भी बनाया था। ठीक है यहाँ तक दोस्तों, काफी अच्छा वीडियो है। इसमें हमने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीन कंप्लीट किए। आप ध्यान से वीडियो देखा करो और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उत्तराधिकारी मुगल का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है और मुगलों से स्वतंत्र होने वाले जो राज्य हैं उनका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उन वीडियो दोनों को भी देख लेना। और इसी के साथ फिर क्या मुगल समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।